हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। और जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक छोटी सी सीरीज़ बना रहे हैं स्टार्टअप इंडिया गाइड के ऊपर, कि स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में आपने ओवरव्यू देखा होगा। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसमें स्टार्टअप्स के जो बेनिफिट्स हैं, स्टार्टअप को जब आप रजिस्टर करा लेते हो तो उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये पार्ट टू है और मैं चाहूँगा कि आप मेरा पार्ट फर्स्ट भी देखें ताकि इस वीडियो तक आते आते आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए और तब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बेनिफिट्स किस किस को मिलेंगे, किस किस स्टार्टअप्स को मिलेंगे, वो मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में। यानी कि वो स्टार्टअप्स जो रजिस्टर्ड हैं DPIIT डिपार्टमेंट के पास। अब ये क्या है, ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। जो भी स्टार्टअप्स इसके पास रजिस्टर्ड होंगे उन्हीं को ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे स्पेशली। तो मैं अगर बात करूं, जो पहला बेनिफिट्स स्टार्टअप्स को मिलता है आफ्टर गेटिंग रजिस्ट्रेशन विद DPIIT, इसकी फुल फॉर्म आपको ना हमारे साइड में या फिर नीचे आपको लिखी हुई मिल जाएगी, तो उसके बारे में इतना ना सोचिएगा। तो जो पहला बेनिफिट है वो है कि स्टार्टअप्स की जैसे एक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स था कि उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मतलब कहते हैं रजिस्टर कराना ही पड़ता था। अब उसमें क्या है कि जब आप एप्लीकेशन डालेंगे उसको रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जैसे कि एप्लीकेशन की जो फीस होती है, मान लीजिए 10,000 रुपये अगर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है तो स्टार्टअप्स के लिए वो फीस सिर्फ 50% ही लगेगी, यानी कि 5,000 रुपये लगेगी। दूसरा जो बेनिफिट है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस होगी, यानी कि नॉर्मल एप्लीकेशन में अगर मान लीजिए 1 महीना लग रहा है तो आपके एप्लीकेशन पे हो सकता है 10 या 15 दिन ही लगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाए। और अगर फिर भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आपके लिए स्पेशली एक पैनल बनाया गया है वहाँ पर, ताकि वो लोग आपको हेल्प कर सकें। स्पेशली वो स्टार्टअप्स के लिए बनाया गया है। तो ये पहला बेनिफिट है जो गवर्नमेंट आपको दे रही है। अब अगर हम दूसरे बेनिफिट की बात करें तो है कि आपको जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं उसमें भी आपको बेनिफिट दिया गया है। अब देखिए, कई बार अगर आप टेंडर फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट्स के अलग अलग एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होते हैं टेंडर को लेके, कि आपका प्रॉफिट इतना होना चाहिए साल का है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपकी अर्निंग इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर स्टार्टअप्स की हम बात करें तो स्टार्टअप्स में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नॉर्म्स नहीं है। अगर स्टार्टअप्स डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी टेंडर में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो वो बिना किसी एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उनके ऊपर ना तो टर्नओवर का कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है, ना उनके ऊपर अर्निंग सोर्स या पूरे साल की जो अर्निंग है उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है, या फिर आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वो भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड बेनिफिट दिया जाता है, थर्ड बेनिफिट है वो काफ़ी बड़ा है आपके लिए और आपके बिजनेस के लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक क्या प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जैम करके। अब उस पर क्या होता है कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस को उस पर रजिस्टर करा लेती है, उसके बाद वहाँ से भी आपको बिजनेस जनरेट करके देती है। यानी कि एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हो गया। अब जो आप इंडिया के अंदर ही अगर बात कर रहे हैं तो लोगों तक आप पहुंच बना लेते हैं कई बार, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पर वो लोग इंडिया में आए बगैर कैसे आपके बिजनेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो वो क्या, गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहेगा तो डायरेक्टली जैम के थ्रू आपको अलग से कहते हैं कि लिस्ट कर लेगा अलग अलग। अगर आपका काम उसे पसंद आता है, आपकी प्रोफाइल उसे पसंद आती है वहाँ पर, तो वो आपसे बिजनेस के लिए कॉन्टैक्ट भी करेगा। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है उसमें, ठीक है। और स्टार्टअप्स जो हैं उनको कहते हैं CPP पोर्टल्स जो हैं उस पर भी, CPP पोर्टल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। यानी कि जितने भी टेंडर से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की या पोर्टल्स हैं उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाती है। यानी कि जब आप उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाती है कि आप लोग, हो सकता है प्रेफरेंस लाइक के टाइम लिमिट आपके लिए स्टार्टअप्स के लिए स्पेशली एक्सपेंड कर दी गई हो, या फिर हो सकता है कि आपके लिए स्पेशली एक सर्वर प्रोग्राम किया गया हो जहां पर आपको कनेक्ट करना थोड़ा इजी हो जाए और लोगों के मुकाबले। और अगर मैं नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूँ आपसे, नंबर 5 जो है हमारा,
तो उसमें क्या है कि जब भी आप कोई बिजनेस या कोई कंपनी स्टैब्लिश करते हैं तो आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन भी कराने पड़ते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट में अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी सर्टिफिकेशन लेनी पड़ती है आपको। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ से क्लियरेंस लेनी पड़ती है बहुत तरह की आपको। लेकिन जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स को थोड़ा ईजी किया है ताकि आप लोग आपका पूरा फोकस अपने बिजनेस पे लगाएं। तो अगर आप लेबर लॉ की बात करें तो वहाँ पर आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन की परमिशन गवर्नमेंट ने दी है ताकि आप खुद से सेल्फ सर्टिफाई करके गवर्नमेंट को बता सकें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लेबर लॉज को हल्के में लें। आपको सिर्फ ये इसलिए दिया गया है ताकि आप जो कहते हैं पेपर वर्क हो गया या फिर जो कंप्लाइंस के ऊपर जो इतना खर्चा होता है उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। और जो दूसरी सर्टिफिकेशन थी वो थी एनवायरनमेंट क्लियरेंस। अब इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस इजीली नहीं मिलती है बिजनेस को, ठीक है। अब इसके लिए क्या करा गवर्नमेंट ने, एक अलग से एक वाइट लिस्ट बना दी। अब वाइट लिस्ट में क्या है, 36 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत इजी और बहुत जल्दी आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। और कई बार तो हो सकता है कि आपको खुद से सेल्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए कोई स्पेशल कंप्लाइंस की ज़रूरत ही नहीं है। उन 36 इंडस्ट्रीज के लिए वो वाइट लिस्ट में है। तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा और जानना चाहें तो आप जा सकते हैं एनवायरनमेंट क्लियरेंस की वेबसाइट पे। बढ़िया, मैंने बता दिया आपको कि 36 इंडस्ट्रीज हैं वो भी वाइट लिस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है वो है कि जब अब मान लीजिए आपने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया और उसको रजिस्टर भी करा लिया, लेकिन हो सकता है कई कुछ टाइम तक आपको फंड दिया गवर्नमेंट ने, आपका स्टार्टअप नहीं काम कर पाया अच्छे से, अब आप उससे एग्जिट करना चाह रहे हो। क्योंकि जो बिजनेस अगर प्रॉफिट नहीं दे रहा गवर्नमेंट भी उसमें ज़्यादा टाइम तक इन्वेस्ट नहीं करेगी, और आप भी उसमें क्यों लोगों का मतलब पैसा टाइम आपका भी टाइम खराब करें। तो आप अगर उससे एग्जिट करना चाहते हैं तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है, अगर आप नॉर्मली मान लीजिए कंपनी है और कंपनी बाहर आना चाहती है, मतलब कंपनी अपने आप को वाइंड अप कराना चाहती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन अगर वो एक स्टार्टअप है तो इसका टाइम पीरियड भी गवर्नमेंट ने एक बाउंड लिमिट डिफाइन कर दी है, जिसमें हो सकता है 90 दिन से लेके 180 दिन के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपको अपने पूरे क्रेडिटर्स किसी भी तरह से सेटल करने होंगे या तो या फिर पे ऑफ करने होंगे 180 दिन के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। और जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको फंड्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अब गवर्नमेंट उनके लिए एक स्पेशल फंड अलॉट करती है, हर अपने जो फाइनेंस बजट जो आता है हमारा उसमें स्पेशली एक फंड अलोकेट किया जाता है स्टार्टअप्स के लिए अब से। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को इनक्रेज कर रही है ताकि उनको फंड की कोई कमी महसूस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस इंडस्ट्री में आए, ताकि एक तो इंडिया में बिजनेस कल्चर थोड़ा सा डेवलप होगा, उसके साथ साथ जो कहते हैं कि नौकरियां बहुत ज़्यादा लोगों को मिलेंगी। अब नौकरियां मिलेंगी तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं नौकरी अच्छे से मिल जाएगी, या फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो पाएगी इस वजह से। तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स थे जो आपको मिलते हैं। एक बेनिफिट्स और मिलता है जो टैक्सेशन में आपको रिलीफ मिलता है, यानी कि इनकम टैक्स में बहुत रिलीफ मिलते हैं, लेकिन उसके एक पॉइंट के अंदर काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर होता है, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा उसको समझाने के लिए। अब वो वीडियो उसकी वजह से काफ़ी लंबी हो जाएगी तो वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो थैंक यू, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं। धन्यवाद।